मित्र देवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारत द्वारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको माघ अमावस्या से संबंधित जानकारी दूंगा। माघ अमावस्या कब की रहेगी, इस बार कौन सी अमावस्या पड़ रही है, सोमवती या मौनी अमावस्या, साथ ही कौन से शुभ योग पड़ रहे हैं, अमावस्या के दिन कौन सी हमें पूजा करनी चाहिए, क्या उपाय करने, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। अमावस्या का विशेष महत्व था, सबसे पहले आपको समझ दूंगी अमावस्या का महत्व क्या है और इस दिन कौन कौन सी पूजाएं करनी चाहिए। शास्त्रों में अमावस्या का विशेष महत्व है और अमावस्या के दिन सबसे ज्यादा जो महत्व होता है वो होता है पितरों की पूजा का। प्रत्येक अमावस्या को पितृ दोष के निवारण के लिए, संतान वृद्धि के लिए यानी पुत्र प्राप्ति के लिए, साथ ही धन प्राप्ति के लिए हमें अमावस्या के दिन पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आपके ऊपर पितृ दोष लग गया तो अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। जो व्यक्ति प्रत्येक अमावस्या को, महीने की जो अमावस्या आती है, हर अमावस्या को पितरों के नाम से तर्पण करते हैं, दान पुण्य करते हैं, साथ ही भगवान की पूजा करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है, आ रही सारी रुकावटें परेशानियां दूर हो जाती हैं। अक्सर कुंडली में कई बार ऐसे दोष बन जाते हैं जिनकी वजह से हमें अनेक प्रकार की परेशानियां सहनी पड़ जाती हैं। उन्हीं में से एक दोष होता है पितृदोष। पितृदोष, जब सूर्य गुरु दुखित अवस्था में हों तब यह योग बन के तैयार होता है। साथ ही इस योग के कारण कई प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं, जैसे पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाती, इंसान अच्छी खासी मेहनत करता है लाभ नहीं मिल पाता, धन बरकत रुक जाती है, घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति प्रतिदिन बीमार रहता है, उसके दवाइयों में पैसा खर्च होता रहता है, साथ ही नौकरी में प्रॉब्लम आती है। आप अच्छी खासी मेहनत करते हैं, आपको भरोसा होता है, आप इंटरव्यू दे के आए या आप कई बार भी जो है पेपर दे करके आए, आपको भरोसा कि हमारी नौकरी लगेगी, लेकिन उस घर में नौकरी नहीं लग पाती। एक प्रकार से प्रत्येक कार्य में रुकावट आ जाती है। सबसे ज़्यादा जो रुकावट आती है वो आती है पुत्र प्राप्ति में, धन प्राप्ति में। तो जो व्यक्ति प्रति अमावस्या को पितरों के नाम से, अपने पितरों के नाम से दान पुण्य करते हैं, दान पुण्य का मतलब यह है कि कैसे दान करना है। सर्वप्रथम सुबह उठते ही आपको स्नान करना है गंगा जल डाल करके जल में, उसके बाद में सूर्यदेव को अर्घ देना है, उसके बाद में आपको पीपल वृक्ष के नीचे या अपने घर पर ही दक्षिण की तरफ मुकर के सामने एक पात्र रख लें, एक लोटे में आपको काले तिल और चावल डाल लें, थोड़ा सा मीठा डाल लें, हरी घास लेकर के हाथ में या कुसा लेकर के ओम सर्व पितृ देवताभ्यो तर्पयामि ऐसा कहकर के पितरों के नाम से जल देना है, पहले देवताओं के नाम से, फिर ऋषि के नाम से और फिर पितरों के नाम से। साथ ही सभी पितृ देवताओं के नाम से आप जल दोगे तो वह जल सात पीढ़ी तक के पितर स्वीकार करते हैं। पितृगणाभिः जगत दानिनी तन्नो पितरो प्रचोदयात् या ओम सर्व पितृ देवताभ्यो तर्पयन्ताम् आदि मंत्रों को बोलते हुए पितरों को आप जल दें। उसके बाद में पांच जगह पूरी निकालें, उनमें आपको सबसे पहला अग्नि का, दूसरा गाय का, तीसरा पीपल वृक्ष का, चौथा कुत्ते का, पांचवा जो बहते हुए जल का, यह ग्रास निकाले जाते हैं और इन ग्रासों को दे करके आप फिर एक थाल में भोजन बना के तैयार करें या सूखा ले लें और उस पर पितरों के नाम से संकल्प करके आप गरीबों को, ब्राह्मणों को, किसी को भी दे करके आ सकते हैं या अपने बुजुर्गों को भी दे सकते हैं। तो इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, पितृ खुश हो जाते हैं। साथ ही पितरों के नाम से आप गौ माता की पूजा करें, पितरों के नाम से आप पक्षियों के लिए अन्न डालें, यह भी अति शुभ माना जाता है, इससे हर मनोकामना पूरी होती है। जो व्यक्ति इस प्रकार से पूजन करते हैं उनके ऊपर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। अमावस्या इस बार 31 तारीख की सोमवती अमावस्या है, 31 जनवरी की सोमवती अमावस्या है और अमावस्या दोपहर के 2:19 से प्रारंभ होगी। सुबह चतुर्दशी रहेगी और उसके बाद में दोपहर को अमावस्या लग जाएगी। इस दिन आप तीर्थ स्नान कर सकते हैं, पितृ कार्य कर सकते हैं, पितरों के नाम से तर्पण कर सकते हैं, हर कार्य कर सकते हैं। उसके बाद में 1 तारीख मंगलवार की मौनी अमावस्या भी रहेगी, लेकिन इस दिन अमावस्या सुबह के 11:06 तक रहेगी। सूर्योदय के हिसाब से देखी जाए तो मौनी अमावस्या रहेगी। अगर आप पितृ कार्य करते हैं तो दोपहर के समय पितृ कार्य किया जाता है, उस हिसाब से सोमवती अमावस्या भी है, यानी दोनों दिन की अमावस्या पड़ रही है।
दोनों दिन आप पितरों के नाम से अर्घ जरूर दें। अब आपको चावल और दीपक का उपाय बताता हूं कैसे करना है। प्रत्येक अमावस्या के दिन आप नियम बना लें घर में, प्रत्येक अमावस्या के दिन आपको यह पूजा करनी करनी है। आपको 1.25 किलो चावल लेकर के आने हैं, 1.25 किलो चावल आपको लेने हैं। साथ ही पितरों के नाम से एक दीपक तैयार करना है, एक सफेद वस्त्र आपको लेना है। सफेद वस्त्र के अंदर आपको चावल बांध लेने हैं, उसमें से थोड़े से चावल आपको अलग निकाल के रख लेने हैं और एक दीपक आपको तैयार करना है। पितरों की फोटो के सामने आपको बैठ जाना है, उनको हार अर्पण करना है। जो आप 1 किलो चावल लेकर के आए, 1.25 किलो, उसमें से एक पाव अलग निकाल लें और 1 किलो चावल सफ़ेद कपड़े पर रख करके पितरों के सामने रख दें। जो एक पाव चावल निकालें वो आपको अलग रख लेने हैं। अब पितरों के नाम से आपको एक दीपक बनाना है और वह आप उनके सामने जला देना है। उस दीपक में आपको जो आपने एक पाव चावल अलग निकाले उसमें से थोड़े से चावल उसके अंदर डाल देंगे। मंत्र आप बोलते रहेंगे, ओम पितृ देवताभ्यो नमः, ओम पितृ देवताभ्यो नमः, इस मंत्र को आप बोलते रहेंगे। उनके सामने आपको दीपक जला करके धूप बत्ती जला देनी है। अब जिस व्यक्ति के ऊपर पितृदोष है, ध्यान से सुनना, जिस व्यक्ति के ऊपर पितृदोष है या जिसके प्रति कार्य रुकावट आ रही है, पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो वह संकल्प करेंगे कि हे पितृदेवता, अगर आप हमसे रुष्ट हैं तो हम आपके निमित्त यह दान कर रहे हैं, इसे स्वीकार करें, और अगर हमारे ऊपर कोई दोष है तो उसे शांत करें। ऐसा कहकर के थोड़ा सा जल उसके ऊपर डाल देना है और इसके अंदर आपको एक पाव सफ़ेद मिठाई भी आप बाजार से ले आए वो भी इसके अंदर रख देनी है। अब इसे आप इसके अंदर आप कुछ दक्षिणा रख करके किसी ब्राह्मण को या अपने बुजुर्गों को जो माननीय व्यक्ति हों उनको आप दे सकते हैं। एक पाव जो चावल आपने निकाले हैं वह चावल आपको पीपल वृक्ष के नीचे चढ़ा करके आने हैं। थोड़े से चावल बहती हुई नदी में डाल दें, उसमें से थोड़े से चावल आप पीपल वृक्ष के नीचे रख करके आएँ, वहाँ पर भी आपको दीपक जलाना है। 21 चावल के दाने पीपल के पत्ते पर रख करके पितरों के नाम से वहाँ पर अर्पण कर दें उन चावलों के साथ में। ये उपाय आपको प्रत्येक अमावस्या को शुरू कर देना है। अगर आप ये नियम बनाते हैं तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी, हर प्रकार की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी बटन को दबाएं मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की नॉलेज की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। तो आप अमावस्या के दिन यह उपाय जरूर करें, आपको लाभ मिलेगा और आपकी हर परेशानी दूर होगी। बड़ी अमावस्या है, माघ अमावस्या है, स्नान का दान का विशेष महत्व होता है इनमें। पितृ प्रसन्न होकर के आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। साथ ही इस दिन गौ माता का भी विशेष ध्यान रखें, गौ माता की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। ओम सर्वपितृदेवताभ्यो नमः।